संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहले दिन फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और वीकेंड पर उसकी कमाई में इजाफा होने की संभावना है। ऐसे में बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कंगना ने इशारों इशारों में बिना नाम लिए आलिया की तारीफ की। उनका ये पोस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट का सभी का स्वागत करता हूँ। कंगना ने हाल ही में एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह सुनकर खुशी हुई कि थिएटर्स फिर से खुल गए हैं और साउथ की फिल्में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर रही है। मैंने सुना है कि हिंदी बेल्ट में भी कुछ छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें एक बड़ा हीरो और एक सुपरस्टार डायरेक्टर है। वे छोटे कदम हो सकते हैं लेकिन वे महत्वहीन नहीं है। कंगना ने आगे लिखा कि वे उन सिनेमा घरों के लिए महत्वपूर्ण होंगे जो वेंटिलेटर पर आ चुके हैं। ग्रेट, कभी उम्मीद नहीं किया था कि फिल्म माफिया इस मौके पर उठ खड़े होंगे और कुछ अच्छा करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उनकी पूरी तरह से सराहना करेंगे। मैं तो बेस्ट की उम्मीद कर रही हूँ। गौरतलब है कि कंगना ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के रिलीज होने से पहले एक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा था कि इस शुक्रवार 200 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर जलकर राख हो जाएंगे, वो भी एक पापा की परी के लिए, क्योंकि पापा साबित करना चाहते हैं कि रोम कॉम बिम्बो अभिनय कर सकती है। सबसे बड़ी कमी फिल्म की गलत कास्टिंग है, ये नहीं सुधरेंगे। आलिया की तारीफ में किए गए कंगना के इस पोस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और फिल्म जगत की ऐसी ही खबरों के लिए स्कूप बीट्स को फॉलो करते रहें।